गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम एक नए वीडियो के साथ मिले हैं जिसका टॉपिक है THESEDs एंड THOSEDOS। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने THISDs और THATDAT के बारे में बात की थी, और वो मेरा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का, और ये सेकेंड पार्ट है मेरा वीडियो का THESEDOS एंड THESEDs। तो मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि THISDs एंड THATDAT ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। और सिमिलरली कॉन्ट्रारीली THESDs एंड THOSEDOS यूज होता है प्लूलर को एड्रेस करने के लिए। प्लूलर ऑब्जेक्ट या प्लूलर पर्सन को एड्रेस करने के लिए हम THESEDs एंड THOSEDOS यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अब इसमें भी THESEDs हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे नियर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। नियर को एड्रेस करने के लिए हम THESEDs यूज़ करते हैं, और हमसे दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम दोज यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने THIS में भी ऐसा ही कुछ किया था, नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे THISDs, और जो दूर है ऑब्जेक्ट उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे THATDAT यूज़ कर रहे थे। उसी तरीके से THESEDs में भी हम नियर ऑब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए यूज़ करेंगे, और THOSEDOS हम दूर के ऑब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वी यूज़ THESEDs एंड THOSEDOS टू पॉइंट आउट प्लूलर थिंग अराउंड अस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया है अभी, THESEDs इज यूज फॉर थिंग दैट आर नियरर टू अस एंड दोज इज यूज फॉर द थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस, ठीक है। कि जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि दीज हम यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ अपने पास हो और वो प्लूरल फॉर्म में हो, तब हम THESEDs यूज़ करते हैं, और अगर कोई चीज़ हमसे दूर हो और वो फिर भी मोर देन वन मतलब प्लूरल फॉर्म में यूज हो तो हम THOSEDOS यूज़ करते हैं। आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमारे पास दो मैंगो है और वो हमारे बहुत पास है, इसीलिए हमने THESEDs यूज़ किया है। सो दीज आर मैंगोज। अब आपको यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है वो कैसे पता चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे आर से हमें पता चल जा रहा है कि वो प्लूरल फॉर्म है। हर जगह आपको क्या दिखेगा, आर दिखेगा, ठीक है। तो THESEDs आर मैंगोज। फिर दूर है अगर तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, दोज आर मैंगोज। फिर दीज आर पैरोट्स, क्योंकि वो बहुत पास में है और प्लूरल फॉर्म में है इसीलिए। फिर दोज आर पैरोट्स, क्योंकि वो एक तो प्लूरल फॉर्म में तो है ही लेकिन बहुत दूर है, सो दोज इज़ यूज्ड। ओके, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग दीज एंड दोज। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो आइए हम देख लेते हैं। सो ये रोज़ दो है इसलिए हमें तो पता चल गया कि दो है, मतलब कि या तो दीज यूज़ होगा या तो दोज यूज़ होगा। तो अब दीज और दोज में से भी क्या यूज़ होगा, तो हम डिस्टेंस पे हम उसको बता सकते हैं, डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो ये हमारे बहुत पास में है, ठीक है, उसका डिस्टेंस हमसे बहुत पास में है, सो यहाँ पे यूज़ होगा THESEDs। ये हमसे बहुत दूर है इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा THOSEDOS। नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, माफ़ करिएगा। यहाँ पे दो टॉप हैं तो यहाँ पे यूज़ होगा THESEDs, क्योंकि ये मेरे बहुत पास में है, ये बहुत दूर है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे THOSEDOS। यहाँ पे लिखेंगे THESEDs, यहाँ आएगा THOSEDOS, यहाँ आएगा THESEDs, यहाँ पे आएगा THOSEDOS, क्योंकि बहुत दूर है। आपको सिर्फ डिस्टेंस देखना है और अमाउंट देखना है कि ग्रेप्स बहुत सारे हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है इसलिए दीज एंड दोज का ही यूज़ होगा। तो डोंट बी कन्फ्यूज इन दैट, ओके गाइस। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि ये हर्ट मेरे बहुत ही पास में है, तो मैं यहाँ पे उसे लिखूँगी दीज आर हर्ट्स। फिर यहाँ पे देखिए ये बहुत दूर है, बहुत ही दूर है मेरे से डॉग्स, तो मैं लिखूँगी दैट आर माई डॉग्स, आई मीन दोज आर माई डॉग्स। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दोस्तों, दैट नहीं आएगा, दैट तो सिंगुलर के साथ आएगा, यहाँ पे प्लूरल है, मुझे माफ़ करिएगा, यहाँ पे दोज आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पॉट बहुत पास में है मेरे, सो मैं यहाँ लिखूँगी THESEDs आर पॉट्स, और ये कार्स बहुत दूर है, सो दोज आर कार्स। यहाँ पे आएगा दीज आर हर कैप्स, यहाँ पे आएगा दोज आर माई कप्स,
और ये भी दूर ही है, सो दोज आर नेट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ये हम एक शॉर्ट समरी है कि सिंगुलर में हम दिस और दैट यूज़ करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये समरी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये एक छोटा सा बॉक्स डाला है जिससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। समराइज कर लें आप दोनों फॉर्म, ये चारों चीज़ें और दोनों फॉर्म। तो दिस एंड दैट हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और फार ऑब्जेक्ट के लिए हम दैट यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो आराम से देख सकते हैं, आई बटन पे टैप करके आपको मेरी सारी वीडियोस प्रीवियस वहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद जो प्लूलर फॉर्म है वहाँ पर हम THE दीज और दोज का यूज़ करते हैं, जैसे आपने ये वीडियो में वो देखा, और नियर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए दीज यूज़ करते हैं, और फार ऑब्जेक्ट को एड्रेस करने के लिए हम दोज यूज़ करते हैं। होप सो आपको मेरा ये वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके भी मैंने आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही आप लाइक एंड कमेंट भी करेगा जिससे मुझे पता चले कि मुझे आपके लिए और किस टाइप के वीडियोज़ बनाना है, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।